नमस्कार, आप देख रहे हैं इजी कैश पॉइंट का ऑफिशियल चैनल। इजी कैश पॉइंट के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में जानेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन आधार कार्ड के माध्यम से निकासी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ ट्रांजैक्शन रिटेलर कर पा रहे हैं, बहुत ही अच्छे से ट्रांजेक्शन कर पा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कौन सा एप्लीकेशन लेने से आपका आधार कार्ड निकासी बैंक ऑफ बड़ौदा का बिल्कुल अच्छे से काम करेगा, सस्पेक्टेड फ्रॉड या इनवैलिड ट्रांजेक्शन का एरर नहीं आएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो निवेदन है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ लाइक डिसलाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम आपको बता दें कि बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजेक्शन पिछले कुछ दिनों से हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, जो कि आधार कार्ड निकासी में सर्वर प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। अलग अलग आईडी में अलग अलग एरर देखने को मिल रहा है, ज्यादातर आईडी में सस्पेक्टेड फ्रॉड या इनवैलिड ट्रांजेक्शन का एरर आ रहा है। लेकिन अभी मार्केटिंग बहुत तगड़ा चल रहा है कि आप कोई फलाना आईडी ले लो, ये आईडी ले लो। तो कुछ कंपनियां मार्केट में जो है आईडी बेचने का एक नया तरीका ढूंढा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का मेरे आईडी से काम करेगा, आईडी लेके आप काम कर सकते हैं। तो ये एक मार्केटिंग सिर्फ फंडा है आईडी बेचने का, जो कि नया फिंगरप्रिंट भी आपको खरीदवा देगा। तो 1000 रुपया आईडी का भी, 1500 रुपया आईडी का भी, प्लस 2000-3000 फिंगरप्रिंट का, टोटल का 4 से 5 हजार आपका बेफजूल का जाने वाला है। अगर आप भी कंफ्यूजन में हैं कि कोई आईडी दूसरी कंपनी का ले लूं तो आपकी समस्या समाधान हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। बैंक ऑफ बड़ौदा का सर्वर पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है, 1 से 2% रिटेलर ऐसा है जो सही से काम कर पा रहे हैं, इसलिए इस कंफ्यूजन को दूर कर लें कि बैंक ऑफ बड़ौदा सर्वर प्रॉब्लम अभी है।